लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनीष मिश्रा इंटरव्यू देने को तैयार हो गए। मैं इसलिए इस चीज का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल पहले कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अगर चैनल पर जाएंगे तो काफी सारे लोगों ने, काफी सारे शिक्षकों ने कमेंट किया कि मनीष मिश्रा कहाँ गायब है, मनीष मिश्रा का से बातचीत कीजिए, वेतन विसंगति के संदर्भ में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं था कि पिछले करीब 6-7 महीने में ऐसा मौका नहीं था जब मनीष मिश्रा में इंटरव्यू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ आज नहीं कल, कल नहीं परसों के तर्ज पर अपनी बातों को टालना शुरू किया और आखिरकार इंटरव्यू देने को वो आज तैयार हुए हैं, वो भी वेतन विसंगति के मुद्दे सहित कई कुछ जो मुद्दे हैं उन पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद अब बैठक के मुद्दे क्या हैं, बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने मेरा नाम तो जान ही लिया होगा, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो न्यूज़ का टुकट है। मेरे साथ है मनीष मिश्रा, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद मैं तो हर 15 दिन 1 महीने में दिखाई जाते थे आपको, न्यूज़ लेकिन आप प्रत्यक्ष तौर पर बहुत दिन के बाद नजर आए हैं और शिक्षकों के मन में ये चिंता हो रही थी कि अचानक आप लापता कहाँ हो गए, तो उनके मन का संशय कैसे दूर करेंगे? देखिए पहले विधानसभा चुनाव था, विधानसभा के 3 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव था, बीच में मैं आते ही था, उसी बीच में जो है हमको अटैक दिया गया तो आप जानते ही होंगे, 3-4, 2-3 महीने तो लगभग मैं थोड़ा सा बाहर कम निकला था क्योंकि अटैक वाला बात थी और डॉक्टरों का सलाह था इसलिए थोड़ा सा बचाव कर रहे थे। लेकिन वेतन विसंगति के मुद्दे पर शिक्षकों को अटैक आ रहा है कि क्या होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सरकार का रुख पता नहीं है, फेडरेशन लापता है, फेडरेशन का मुखिया लापता है, तो ऐसे मुद्दे पर कैसे जो है वो तय होगा कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर फेडरेशन कुछ कर भी रहा है या चुप हो गया? देखिए अभी जो आचार संहिता खत्म हुआ लगभग 1 महीने हुआ, 3 तारीख को आया था, 1 महीने हुआ है, इस 1 महीने में लगा जो मंत्री लोगों से मिला है, मुख्यमंत्री से भी मिला था, बीच में ओपी चौधरी जी से भी मिला था, बीपीआई में जो है प्रमुख शिक्षा सचिव और मैडम से भी मेरी मुलाकात संचालक से हुई थी, और बीच बीच में मैं तो आपको जो वहाँ ज्ञापन देता था, जो बात होती थी आपसे बात होती रहती थी, क्योंकि आपसे बीच में मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं भी आया थोड़ा जल्दी में था इसलिए निकल गया था, इसलिए संबंध में बात नहीं हो पाई थी, लेकिन लगातार हम वेतन विसंगति की जो सरकार का मोदी की गारंटी में शायद शिक्षकों को वेतन विसंगति जाने वाली बात थी, उस संबंध में हमने पहले ऑनलाइन बैठक जिला अध्यक्ष को हुई थी और उसके बाद जो है 30 तारीख को जिला अध्यक्ष बैठी हुई, 31 तारीख को हम लोगों ने जो प्रांतीय बैठक ऑनलाइन हुआ था, आज ऑफलाइन बैठक सभी जिला अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारियों की यहाँ पर लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वेतन विसंगति के लिए हम लोग जो है ठोस रणनीति बना लिए हैं, 5 सितंबर को हम जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे या सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी के गारंटी के तहत उनके घोषणा पत्र में साफ साफ है 100 दिनों के अंदर जो है शायद शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, आपने जो कहा था उसे पूरा करने का समय आ गया और लगातार हमारा आज रणनीति बन गई है, हमारी ढेर सारी समिति का भी निर्माण हुआ है, कोर कमेटी बना है और अनुशासन समिति बनी है, आंदोलन के लिए जो है रणनीति बनी है और इस प्रकार से ड्राफ्ट कमेटी बना, आज हमारा जो है लगभग पूरा चीज कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग जो है 5 सितंबर को टारगेट करने वाले हैं। तो 5 सितंबर ही क्यों, मतलब अगस्त का भी महीना बचा हुआ है, फेडरेशन महंगाई भत्ता और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे में 5 सितंबर को चुनने के पीछे का कोई उद्देश्य आप लोगों ने रखा है या फिर? देखिए शिक्षक के लिए जो शिक्षक इतिहास में सबसे बड़ा दिन होता है शिक्षक दिवस ही होता है, हम लोग जो है हर 5 सितंबर को सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं कि हम एक शिक्षक हैं और आपने ये कहा था और आपने ये मांग किया था, आपने ये मांग अपनी जन घोषणा पत्र में रखा है, उस दिन हमारा लोग एक विशेष दिवस होता है और उस दिवस के अंदर हम सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी जो बात है वो सरकार तक अच्छी तरीके से पहुँच जाए, उस तरीके हम लोग 5 सितंबर को जो है तो सरकार को मंत्री को बुलाएंगे, मुख्यमंत्री को भी बुलाने का प्रयास करेंगे और हम 5 सितंबर के लिए हमारा कोर कमेटी का भी निर्माण कर दिया गया है, अनुशासन समिति भी बन गई है, हम लोग बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जो है 5 सितंबर को क्या करने वाले हैं वेतन विसंगति के संबंध में, आज हमारा जो यहाँ पर बैठक हुआ है सभी जिला अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारियों के बीच में से, उसमें से हमने जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति प्रमुखता से रखा जाएगा, दूसरे मांग में हमने पुरानी सेवा की गणना करते हुए पेंशन की मांग को उसमें परिचय दिए, मात्र दो मांगों के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जब तक मांग कोई नहीं होगा पूरी संघर्ष करेगा। 5 सितंबर को होगा क्या, मतलब 1 दिवसीय प्रदर्शन है, आंदोलन है, धरना है, हड़ताल है, क्या होगा? लोगों के मन में तो संशय ही होगा ना कि आप जैसे ही बोलेंगे 5 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, तो कार्यक्रम का जो परिकल्पना है वो किस रूप में? देखिए आज जो है सत्र की शुरुआत में आज हमारी पहली बैठक और इस बैठक में जो है हम लोगों ने सभी से समिति का गठन कर दिया है और बहुत जल्दी हम जो है वित्त मंत्री जी से, अभी शिक्षा मंत्री जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी है, दोनों से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे, विभागीय अधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगे, उनके बातों के आधार पर अगर हमारी हमको ऐसा लगेगा और हमारे सदस्यों को ऐसा लगेगा
कि हमारा जो है मांग सरकार बहुत जल्दी पूरा करने वाली है, तो हम जो है 5 सितंबर को सम्मान के रूप में जाएंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि सरकार हमारी मांगों को टाल मटोल कर रही है, पिछली सरकार जैसी हमको घुमा रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। क्या लग रहा है जो आज सारे लोग थे आपके बैठक के दौरान, उन सारे लोगों की एकरूपता बैठक में नजर आ रही है? हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हुए थे जिले और ब्लॉक और प्रदेश का, सबका एक रुकता यही है कि जब तक हम लोग का लड़ने के लिए तैयार है, पूरे एक रुकता। आप लोगों से लास्ट टाइम बात किया था पिछले रविवार का दिन था, आज करीब 6 दिन के बाद। मैंने उस दौरान भी बोला था कि लोगों के बीच में गलत मैसेज ये जा रहा है, फेडरेशन में दिखाव हो चुका है, फेडरेशन के लोग एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आ रहे, इसकी वजह से वेतन विसंगति का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होने की दिशा में जा रहा है, वो मुद्दा रहा नहीं। आज जब बैठक हुआ है तो क्या लग रहा है, वही एनर्जी, वही उत्साह, वही संगठन नजर आ रहा है, या फिर से रुकता लाने की या एक राय बनाने की सिर्फ कोशिश हो रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो बैठक था हमारे लिए सबसे सार्थक बैठक था। जो बातें आप तक पहुंच रही थी कि पदोन्नति के पश्चात भ्रम की स्थिति आई है और बिखराव की स्थिति है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन में, वो बिल्कुल नहीं है। आज की बैठक इस चीज़ को साबित करती है कि हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के साथी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और पूरी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। मन में कोई भेद नहीं है और जो भेद था उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा मांग पत्र तैयार किया है कि जो पदोन्नति हो चुके हैं उनका भी और जो अभी सहायक शिक्षक हैं उनका भी, दोनों का मांग पहला मांग पत्र में जा रहा है और किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। आगामी रणनीति में हम फिर से उसी उत्साह, उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ आपके सामने नजर आएंगे। आपका आपका आपकी जो छवि है संगठन में वो प्रदर्शन करने वाले, आक्रामकता के साथ भाषण देने वाली है, आज की बैठक में जब ये तय है कि आप लोगों को क्या करना है, इसकी दिशा और दशा अगले 4-5 दिनों में जब आप मुलाकात करेंगे उसके बाद तय होगा, तो आप लोगों ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को लग रहा है कि अब बातचीत और ज्ञापन देने सौंपने का वक्त बहुत गुजर चुका है, अब जो भी लड़ना है वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित रूप से आपका जो कथा है वो सत्य है, लेकिन क्योंकि हमारी जो मांग है, जो मूल मांग जिसके लिए हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है, मोदी जी की गारंटी में शामिल है, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन पहले सरकार से बात करेगा कि आप हमारी मांगों के प्रति क्या कर रहे हैं। आपने जो वायदा हमसे किया है, प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षकों के साथ आपने जो वायदा किया है मोदी जी की गारंटी में, आप उस पर क्या कर रहे हैं निश्चित रूप से ये जानना जरूरी है। सरकार से अगर हमको सकारात्मक संकेत मिलेगा तो उस दिन हम लोग 5 सितंबर के दिन हमारे प्रांताध्यक्ष जी ने पहले ही कहा है कि हम एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे जिसमें हमें हमारे प्रदेश के सुदूर अंचलों में काम करने वाले सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक और शिक्षक, इनका सम्मान करेंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को न्योता देंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो और उसमें हम अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे। अगर सकारात्मक संकेत मिलता है तो, और अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, अपनी गारंटी के प्रति गंभीर नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है और शिक्षक दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और ये राजधानी रायपुर में ये इतिहास बनेगा कि शिक्षक किस प्रकार का आंदोलन करते हैं। सरकार को मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए, पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए हम अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। आप लोग तो प्रधान पाठक हो चुके हैं और लोग ठीक है, शिक्षक प्रमोशन आप लोग पा चुके हैं, लोगों का ये कहना है कि जब से फेडरेशन में प्रमोशन का दौर शुरू हुआ है तब से बिखराव शुरू हुआ है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि संगठन वो मजबूत, फेडरेशन वो मजबूती के साथ जिस तरह जिसके नाम की तूती बोलती थी शिक्षक संगठन में, वो अब दम और वो दम दोनों नहीं? ये लोगों के अन्य संगठनों द्वारा फैलाए गए भ्रम है। हमारे जो शिक्षक साथी जो पदोन्नत हुए हैं, आप यहाँ देखेंगे जो अधिकतर पदाधिकारी हैं वो सभी आज एक वर्ष एक मैनिफेस्टो बना योजना पत्र जो हम बनाए हैं, कार्य योजना बनाई, उसके चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत है कि हम लोग अलग अलग हैं या फिर हमारा प्रभाव कब दिखेगा आपको? अभी तक आप देखिए CM से 4 बार हम अलग अलग माध्यम से हम CM से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने मांग पे अड़ी और 5 सितंबर आने वाला 5 सितंबर सिर्फ मोदी की गारंटी पूरा करवाने के लिए हम कार्य योजना में कार्य कर रहे हैं। कोई भी खराब नहीं, कोई अलगाव नहीं, फायदा होगा, सबको फायदा होगा, एक एक प्रधान पाठक जो प्रमोट हुआ उनको भी फायदा होगा, यूडीटी जो प्रमोट हुआ उनको भी फायदा होगा, हमारे सहायक शिक्षक साथियों का वेतन संगति अवश्य में दूर होगी जिन्होंने मोदी की गारंटी के नाम पे हम दूसरा पत्र में इसको छोड़। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रथम सेवा गन्ना के साथ भी अगर
वरिष्ठता को अगर निर्धारित किया जाए तो शिक्षकों की काफी हद तक समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसे मुद्दे पे आप लोगों का क्या रुख है? आप लोग तो दो मुद्दों को रख रहे हैं, तो अब उसमें तो कई सारे लोग नाराज, कई लोगों को खुश करने के चक्कर में फेडरेशन के काफी सारे लोग नाराज हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो दो मुद्दों को रखे हैं तो कई सारे लोग ये बोलेंगे कि प्रथम सेवा गन्ना से को क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, मगर आज की जो हम लोग का बैठक है जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी का, तो इस बैठक में बहुत बड़ा मंथन हुआ है और मंथन में यही क्रीम निकला है कि हम लोगों को जो सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति दूर कर, पूर्व सेवा गणना का वेतन विसंगति दूर कर पेंशन निर्धारण, ये हमारा जो आज का बैठक है इसमें हमारा निर्णय हुआ है। और निश्चित है इससे जितने भी प्रधान पाठक है और जो शिक्षक बने हुए हैं उन सबको इस मांग पत्र में उनकी मांग शामिल हो चुका है। और निश्चित ही हमारे 75-80% पदाधिकारी पदोन्नत हो चुके हैं और वो सारे पदाधिकारी आज के बैठक में शामिल हुए हैं और ये प्रदेश में एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि जितने भी सहायक शिक्षक है और प्रधान पाठक है सबकी मांग इसमें समाहित होते हुए हम सब एकजुटता से सरकार के सम्मान में या तो उनके अपमान में, अर्थात अगर हमारा वेतन विसंगति दूर हो गया तो निश्चित ही सरकार का हम सम्मान करेंगे। और हमारा जो मोदी की गारंटी में हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो निश्चित है हमारे गुरु जी लोग दुखी होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन इस छत्तीसगढ़ की इतिहास में देखने को मिलेगा। आपसे दो सवाल, अरे आप लोग सर इधर आ जाए, आप लोगों से ही बात, क्या लग रहा है कि वो चीजें जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते रहे हैं कि फेडरेशन को अब एक साथ मंच पर आना चाहिए, अपनी ताकत, अपना जो अनुभव है और अपना अपनी जो शैली है उसके साथ सबके बीच आना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि अब वो सहमति बनती दिख रही है? क्या कुछ अब बदलाव दिखेगा जो 6-8 महीने का जो दौर गुजर चुका था उसके बाद? फेडरेशन से आपका तात्पर्य हमारा संगठन? बिल्कुल, आप तो हमारा संगठन कभी अलग हुआ ही नहीं है ना, कोई किसी प्रकार की लोगों के नजरिए में था सर, मैं मेरा ये नजरिया नहीं है, आप सोशल साइट्स को अगर देखेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे सर, तो काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि फेडरेशन में वो ताकत नहीं रही और वो दिख भी रहा था। 7-8 महीने की खामोशी किसी भी संगठन के ये अपने आप में सवाल और संशय बताने के लिए काफी होता है कि ये संगठन में वो दम नहीं रहा जो हर 15 दिन किसी न किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरने को तैयार हो, वो अगर 7 महीने तक चुप हो जाता है, सवाल उठते हैं। समय और परिस्थिति ये सब कराती है। अभी पिछला जो आप 6-7 महीने की बात कर रहे हैं, इस 6-7 महीने में आप देखेंगे तो आचार संहिता लगा हुआ था, चुनाव था और कई ऐसे कारण थे जिसके कारण हम लोग शांत रहे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है मौके में हम हमेशा सामने आते हैं और अभी वर्तमान में वो मौका फिर से आ गया है। अभी चुनाव है सामने में, जनपद और जो नगर पंचायत के चुनाव, ये समय है जिस समय हमको हड़ताल करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांगों को इस समय हम प्रखर तरीके से रख सकते हैं तो हम पुनः एक्टिव होगा। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसमें अन्य संगठन के भी लोग हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं, सबका अलग मांग होता है, कोई स्थानांतरण के मुद्दे को उठाता है, कोई पदोन्नति उठाता है, कोई पेंशन उठाता है, कोई वेतन विसंगति उठाता है, सबकी अलग अलग राय, सब अलग अलग तरह की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया को उतना गौर नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार की अलग अलग बात करते हैं। रविंद्र जी, आप जांजगीर जिले से आते हैं और कहा जाता है कि जो शिक्षकों की जो राजनीति है ना, काफी हद तक बिलासपुर के आसपास जो है वो केंद्रित रहती है, आपको नहीं लगता कि फेडरेशन में जो चीजें बिकती है, जो दिख रही है और खास करके पदोन्नति के बाद प्रधान पाठक पर शिक्षकों का जो प्रमोशन हुआ उसके बाद अलगाव की स्थिति बनी है, हर शिक्षक अपने अपने तरीके से अपनी मांगों को रख रहा है, इसकी वजह से संगठन के कई सारे मजबूत धड़े अलग अलग जगहों पर चले गए, क्या अब मौका है कि उन सब को लेकर फेडरेशन को फिर से मजबूत किया जाए, फिर से एक साथ लाया जाए? आपका नजरिया क्या कहता है? निश्चित रूप से आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सोशल मीडिया तक सीमित है, सही मायने में जो वेतन विसंगति दूर होगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ 2018 से जितना संविलियन हुए हैं उन सभी सहायक शिक्षकों को होगा, भले ही आज की स्थिति में वो प्रधान पाठक बन गए हैं या यूडीटी बन गए हैं, लेकिन जब वेतन विसंगति दूर होगा तो आप जिस दिन उस पद में आए थे संविलियन दिरा से उस दिन से लाभ होगा। तो अभी जितने भी वंचित ग्रुप बने हैं या जितने भी सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं, स्थानांतरण से प्रभावित हैं, उन प्रत्येक अंतिम बिंदु के सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर होने से लाभ होगा। और जो सरकार मोदी की गारंटी में शामिल है तो अपनी गारंटी पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार होने के कारण यहाँ के जो मंत्री हैं उन लोगों से जो लगातार जो वार्ता इंटरनल चल रही है जिसका न्यूज सोशल मीडिया में नहीं आ पा रहा है, लेकिन जिस दिन अगर वेतन विसंगति दूर होना रहेगा या कुछ मिलना रहेगा उस दिन सबसे बड़ा जो टीम रहेगा वो फेडरेशन रहेगा और जो लाभ होगा वो सहायक शिक्षकों को होगा।
आपसे एक दो सवाल कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो सब लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए, ये आप पे आरोप लग रहा है। इसकी वजह से अलग अलग संगठन जो आपके मजबूत साथी हुआ करते थे वो आपको छोड़कर जा रहे हैं और आपने उनको मनाने का भी प्रयास नहीं किया। क्या लगता है कि अब सारे लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है? क्या लग रहा है मनीष मिश्रा की जो एक छवि रही है कि नहीं सबको लेकर चलना, सबकी बातों को सुनना, उस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा या फिर से वही आप अपने रास्ते पर अपनी मर्जी के अनुरूप संगठन को दिशा देने की कोशिश करें? जी, आप किस आधार पर सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो इसको जानते नहीं, एक भी साथी का नाम बताइए जो भी हमारे पहले हमारे साथ प्रमोशन में बहुत सारे साथी हैं। वो सारे साथी हमारे साथ कर लूंगा तो आपको ही बता सकता हूं। जितने भी हमारे साथी थे अभी तक हमको ऐसा कहीं से सूचना प्राप्त नहीं हुई एक भी साथी हमको छोड़ दिए। फेडरेशन जो प्रमोशन हुआ है, चाहे शिक्षक बने चाहे प्रधान पाठक बने, एक लगभग दो ढाई साल पहले ही हो गया, बहुत कम संख्या में प्रमोशन हुआ। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब से ये प्रमोशन का दौर चला है, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं नाम लेने को हो सकता हूँ उनको आपत्ति हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके संगठन के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, प्रांतीय टीम के मेंबर हुआ करते थे, उनमें से 2005 लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने अपना अलग अलग संगठन बना लिया और आपने उसको मनाने की भी कोशिश नहीं, जबकि एक टीम लीडर की यह कोशिश होती है कि उनसे कम से कम बातचीत करके उनको अपने रास्ते पर लाया जाए। क्या इस दिशा में कुछ फेडरेशन करेगा? देखिए, हमारे जानकारी में तो हमारे जो प्रांतीय टीम में थे, जिला टीम में थे, जिला अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसा कोई है ही नहीं। आप जो इस प्रकार का सोशल मीडिया में देख के बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं, इसको मैं बता नहीं सकता। आज भी हमारे प्रांतीय टीम में जितने लोग थे वो सारे लोग आज बहुत, जितने हमारे पहले मेन लोग थे सभी लोग आए थे। आप अपने दूसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, मैं पहले कार्यकाल को भी जोड़ कर देता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब से मतलब दूसरी बार मैं चुनाव जीता हूँ तब से अभी तक तो कोई ऐसा पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष नहीं है। और आज सवाल थोड़ा सा बीच में, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, आपको भी मालूम होगा, हमको जो है तकलीफ हो गई थी, दो तीन महीना हम इसमें काम नहीं किया और छः महीना तीन महीना लोकसभा तीन सौ मतलब विधानसभा के चुनाव भी था, तो नेतागिरी का करने का समय भी नहीं था। और मुश्किल से अभी इसके पहले भी लगातार मैं 15 दिन या 20 दिन में डी के आई जाती हूँ, मंत्री लोगों से मिलती हूँ। और अलग बात है कि सोशल मीडिया अभी कम चल रहा है, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, किसी कारणवश नहीं मिल पाए, जल्दी से निकल गए, वो अलग बात है। लेकिन हमारे संगठन में अभी इसके पहले भी जब आंदोलन होता था काफ़ी पूछते थे, पिछली बार आप आंदोलन बहुत अच्छा था, इस बार हो पाए? मैं आपको हर बार बोला था हमारी अच्छी तैयारी होती, इस बार उससे अच्छा होगा, और हर बार हमने उसको परिणाम दिया। इस बार भी जब हमारा अगला कदम जो भी हो, चाहे सरकार का सम्मान करने वाली बात हो, हमारी मांग पूरा होने के बाद, चाहे सरकार का विरोध करने वाली बात हो, तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा हमारे संगठन में इतनी ताकत है या नहीं है, तो उसी दिन समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमको समझता है, हमारे एक भी साथी, चाहे वो प्रधान पाठक बने हों चाहे वो शिक्षक बने हों, सभी लोग को जो है आज हमने समीक्षा बैठक बुलाया था, सभी को बातों को सुना गया और सभी की मांगों को उसमें समावेश किया गया है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी सहायक शिक्षकों की रिजर्वेशन को दूर करने वाली बात होगी। आपको भी जैसे भी मालूम है, मैं सहायक शिक्षकों के साथ पहले भी लड़ा था, आज भी लड़ा हूँ, प्रमोशन भी नहीं लिया था, आज भी प्रमोशन नहीं लिया हूँ, और जब तक सभी की समस्या का निदान नहीं होता तब तक मनीष मिश्रा मुझे फेडरेशन अकेले बूते पर 5 सितंबर की लड़ाई लड़ेगा या फिर अन्य संगठनों का भी आह्वान करेगा, जैसा कि हर बार होता रहा है, फेडरेशन अपने बूते पर लड़ेगा या फिर अन्य संगठनों का भी आह्वान करेंगे कि वो आपके साथ 5 सितंबर का जो भी कार्यक्रम है उसमें वो शामिल? आह्वान तो हम सभी को करेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, प्रधान पाठक हो, व्याख्याता हो, सबके लिए हमारे जो हम पिछली लड़ाई लग रहे हैं लगभग 2 साल, उसमें सभी की मांग, जो उसमें जो संगठन आना चाहता है सभी को आह्वान करूंगा, सभी आए। लेकिन हमारा जो मूल संगठन है उसी संगठन का हड़ताल है, हम सभी शिक्षक साथियों को, सभी संगठनों को अपील करेंगे कि सभी उस आह्वान में आए, क्योंकि उसमें सभी को लाभ, हमने मांगी ऐसा रखते हैं, उसमें सभी चाहे किसी भी वर्ग के हो सबको लाभ। चलिए, कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आप पीछे रह जाते हैं बस। ये बताइए, आज की बैठक से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको याद होगा कि जब आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम, तो हमने यही पूछा था कि संगठन का वो स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, वो कब दिखेगा? और आपने हमसे बोला भी था कि बहुत जल्द इसका आपको दिखेगा कि हम लोग एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। आज की बैठक से आप संतुष्ट हैं? आज लग रहा है कि फेडरेशन पुराने रंग में नजर आ रहा है? बिल्कुल सत्यन जी, आज का जो बैठक था वो समीक्षात्मक बैठक था। जैसे कि आप मनीष भाई से पूछ रहे थे कि इतने दिनों तक ये संगठन और आप खामोश थे, तो निश्चित तौर पर आचार संहिता थी, चुनाव थी, और संगठन का किसी भी प्रकार का मूवमेंट, जो हड़ताल या मिलना जुलना, ये तो हो ही नहीं सकता था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पुराने अपने जो 2018 से जो गतिविधि रही, उस गतिविधि के ऊपर हम लोगों ने समीक्षा की है,
और उनके साथ साथ जिन जिन जगहों पर लगा कि हमको यहाँ सुधार करनी चाहिए उन जगह पर विशेष रूप से हम लोग सुधार के ऊपर जोर दिए हैं। और हमारा जो संगठन है उस दिन भी मैं बोला था कि कोई बिखरा नहीं है, कोई टूटा नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, आज भी एक साथ है। और दो मुद्दों को लेकर हमारी पहली प्राथमिकता सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति ही है, लेकिन चूंकि यह संगठन हमारे पदोन्नत साथियों का भी है, समग्र शिक्षक संगठन भी है, तो पुरानी जो पेंशन है उस पेंशन के मांग को जो नितांत आवश्यक है हमारे संगठन के कम से कम 30-40% साथियों के लिए भी कि जरूरी है पेंशन के लिए, इसलिए उस मुद्दे को शामिल किया गया है। और निश्चित रूप से जो रणनीति बनी है और जो जिस प्रकार से संगठन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है उसके बाद हमारा जो मूवमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा और पूरे सहायक शिक्षक के साथ साथ पदोन्नत साथियों के लाभ के लिए भी इस संगठन में बात की गई है और उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। तो कुल मिलाकर 5 सितंबर का इंतजार हर किसी को होगा, खास करके उन तमाम सहायक शिक्षकों को जो ये मान रहे थे कि फेडरेशन चुका हुआ है और फेडरेशन में वो ताकत, वो दम नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार ये जरूर अब देखने को मिलेगा कि आने वाले दिनों में जब 5 सितंबर को सहायक शिक्षक पूरे प्रदेश के राजधानी रायपुर में इकट्ठा होंगे तो किस तरह से वेतन विसंगति की मांगे जोर पकड़ती है और किस तरह से फेडरेशन अपनी ताकत का एहसास सरकार को करा पाता है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें। अभी बस इतना, नमस्कार।